देखने में बेहद खूबसूरत दिलकश अदाओं की मलिका और फिल्मों की शान कहलाने वाली एक्ट्रेस सोनम 90 के दशक की हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस थी, जिसे अपनी फिल्मों में लेने के लिए डायरेक्टर्स उनके घर के चक्कर काटते थे। सोनम का यूं तो फिल्मी करियर बहुत कम वक्त के लिए था, लेकिन उस कम वक्त में भी सोनम ने वो कामयाबी पाई जिसे पाने के लिए बड़ी बड़ी हीरोइन सालों लगा देती हैं। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब सक्सेसफुल करियर होने के बावजूद सोनम ने रातों रात फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया। वजह थी अंडरवर्ल्ड। नमस्कार, आरआर सिनेप्लेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रुचि राय। आज हम आपको बताएंगे सोनम के उस दिन की कहानी जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डाला था, जिसकी वजह से एक कामयाब एक्ट्रेस को देश छोड़ने पे मजबूर होना पड़ गया। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आजकल फिल्मों में हीरोइन का बोल्ड लुक दिखना एक आम बात है, लेकिन 80 और 90 के दशक में ऐसा नहीं होता था। उस वक्त बहुत ही कम हीरोइन बोल्ड सीन देना पसंद करती थी। सोनम भी उन्हीं हीरोइन की लिस्ट में शामिल थी जिसे बोल्ड सीन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सोनम को ओए ओए गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। वैसे सोनम का असली नाम बख्तावर खान था, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनम रजा मुराद और जीनत अमान की कजिन है। आज सोनम को फिल्म इंडस्ट्री छोड़े 27 साल से ऊपर हो गए हैं। कभी कैमरे की चमक धमक में रहने वाली सोनम आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है, क्योंकि कुछ लोगों की सोनम की खूबसूरती पर बुरी नजर पड़ गई। किसकी, ये अभी आगे आपको बताएंगे। सोनम बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी, इसीलिए उनको पहले से ही पता था कि अगर जल्दी फैंस के बीच में अपनी जगह बनानी है तो बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। इसीलिए फिल्मों में उन्होंने खुलकर एक्सपोज किया, कभी बिकनी पहनी तो कभी बोल्डनेस का तड़का लगाया। ये सब सोनम के लिए आम बात थी। सोनम ने अपने 7 साल के फिल्मी करियर में कई सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की। सोनम ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही यश चोपड़ा की फिल्म विजय साइन कर दी थी। इस फिल्म में वो खुद से दुगनी उम्र के एक्टर ऋषि कपूर के साथ रोमांस करती नजर आई। पहले ही फिल्म में उन्होंने जबरदस्त किसिंग सीन दिए, जिसके बाद हर किसी ने सोनम की बोल्डनेस को नोटिस किया और सोनम को धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। क्या आपने सोनम की कोई फिल्म देखी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साल 1989 में आई फिल्म त्रिदेव का गाना सोनम की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए थे। इस गाने के बाद सोनम को हर कोई इसी नाम से बुलाता था। त्रिदेव के बाद सोनम ने मिट्टी और सोना में काम किया। इस फिल्म में चंकी पांडे उनके ऑपोजिट थे, लेकिन सोनम की मौजूदगी की वजह से दर्शकों ने चंकी को नोटिस तक नहीं किया। दर्शक सिर्फ सोनम की बोल्ड सीन देखने के लिए सिनेमा घर में आते थे। लोग घंटों लाइन लगा के उनकी फिल्म की टिकट खरीदते थे ताकि सोनम का बोल्ड अंदाज देखने को मिल जाए। लेकिन कुछ ही समय बाद सोनम ने फिल्म इंडस्ट्री से अपना किनारा कर लिया, क्योंकि उनके साथ वो हुआ जो दौर के अधिकांश हीरोइंस के साथ होता था। सोनम की खूबसूरती पर अंडरवर्ल्ड की बुरी नजर पड़ गई थी। फिर क्या था, आए दिन सोनम को फोन पे धमकियां मिलने लगी। अंडरवर्ल्ड का हर शख्स उनके साथ हमबिस्तर होने की चाहत में हदें पार करने लगा। कहते हैं कि अबू सलेम ने अपने आदमियों से सोनम के घर से लेकर उनकी शूटिंग हर कहीं उनका पीछा करवाना शुरू कर दिया था। इससे परेशान होकर सोनम ने एक दिन फैसला लिया कि वो फिल्मों से दूर हो जाएंगी, मगर उनके दोस्त और फिल्म त्रिदेव के डायरेक्टर राजीव राय ने उन्हें समझाया कि कुछ वक्त के बाद सब ठीक हो जाएगा। सोनम और राजीव एक दूसरे से प्यार करने लगे और साल 1991 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जैसे ही इस शादी के बारे में अंडरवर्ल्ड को खबर मिली, उन्होंने सोनम के पति राजीव राय को धमकियां देनी शुरू कर दी। सोनम और राजीव को अलग होने के लिए कहा गया और कहा गया कि अगर सोनम ऐसा नहीं करती हैं, तो उनके परिवार को खत्म कर देंगे। इन तमाम धमकियों से सोनम और राजीव बुरी तरह डर गए और दोनों ने देश छोड़ने का ही फैसला कर लिया। कुछ वक्त के बाद यह कपल लॉस एंजलिस और बाद में स्विट्जरलैंड में सेटल हो गया।
शादी के 2 साल बाद सोनम ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन साल 2001 से ही सोनम की फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग गईं। राजीव राय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले 15 सालों से ये एक दूसरे से अलग रहते हैं। बेटी की पढ़ाई के लिए ये दोनों अलग अलग जगहों पे रहे। इन दोनों को इंतजार था कि जल्दी से उनका बेटा 18 साल का हो जाए ताकि वो उनके अलग होने के डिसीजन को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। सोनम का तलाक साल 2016 में हुआ। तलाक के बाद सोनम को एक बार दोबारा प्यार हुआ। सोनम ने 44 साल की उम्र में पॉन्डिचेरी के डॉक्टर मुरली पोडुवल से दूसरी शादी कर ली। जिस दिन सोनम ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया था, उस दिन के बाद से वो कभी भी कैमरे पे नजर नहीं आई। अंडरवर्ल्ड की धमकियों ने सोनम को अंदर से बुरी तरह से डरा दिया था। वैसे अंडरवर्ल्ड की गंदी नजर फिल्म इंडस्ट्री की कई और हीरोइंस पे पड़ चुकी है, जिसकी वजह से इन हीरोइंस को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। सोनम की जिंदगी के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR Cineplex।